Hey everyone, welcome back to my another video. So this video is part 2. Part 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखो। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या फिर आप आई बटन पे भी क्लिक करके देख सकते हो। तो राइट नाउ मैं यहाँ पे अभी इंटेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके बियर्ड को शेड कर रही हूँ। इन द सेंस बियर्ड में जो भी हाईलाइटेड हेयर है मैं उसे देने के लिए मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास इंडेंटिंग टूल नहीं है तो आप खाली पेन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि अभी आप देख रहे हो। मैं यहाँ पे खाली पेन का यूज़ करके इमेजिनरी हेयरलाइन मैंने ड्रॉ किया है। अब मैं उसके ऊपर लाइट पेंसिल से पहले मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ। तो आप नोटिस करोगे जब मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ तो जो मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया था वो आपको दिख रहा होगा, वो वाइट हेयर आपको शो हो रहा है। तो इंडेंटिंग टेक्निक का यही यूज़ होता है, आपको इमेजिनरी लाइन यूज़ ड्रॉ करना है और आपको उस पर शेड करना है, जिसके वजह से आपको हाईलाइटेड हेयर, वाइट हेयर बहुत ईजिली आप ऑप्ट कर पाते हो। सो इंडेंटिंग टेक्निक को करने के लिए हमें इंडेंटिंग स्टाइलस की ज़रूरत होती है, जो कि इंडेंटिंग टूल कहते हैं उसे हम। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो कुछ इस तरीके का होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप खाली पेन को यूज़ कर सकते हो, वो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट देता है, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं से बाय करने की। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ करो, अगर आपके पास नहीं है तो आप खाली पेन का यूज़ करके आप ये वर्क कर सकते हो। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं डार्कर शेड दे रही हूँ। डार्कर शेड देने से जो हमने वाइट हेयर जो ड्रॉ किया था वो और ईजिली ऑप्ट हो रहा है और बहुत अच्छा से हमें वो दिख रहा है। तो शेड करने के बाद आप अच्छा से उसे ब्लेंड करें। ब्लेंड करने के बाद मोनो जीरो इरेजर का यूज़ करके जो भी हमने हाइलाइटेड हेयर ड्रॉ किया था आपको उसके ऊपर फिर से अपना मोनो जीरो इरेजर से उसे और हाइलाइटेड देना है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इससे जो वाइट हेयर है उसके ऊपर जो हमारा पेंसिल का थोड़ा बहुत ग्रेफाइट आ गया है वो रिमूव हो जाता है और वो अच्छा से दिखता है। तो अभी मैं यहाँ पे बियर्ड का लोअर पार्ट को मैं शेड कर रही हूँ। पहले ही मैंने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया था, अब मैं वहाँ पे लाइटर पेंसिल से पहले मैं फर्स्ट लेयर दे रही हूँ, फिर उसके बाद आप उस पर डार्कर टू और डार्कर शेड दे सकते हो, लेयरिंग दे सकते हो, जिसके वजह से आपका वो वाइट हेयर बहुत ईजिली ऑप्ट होता है। तो देखिए जैसा कि अभी मैं यहाँ पे और डार्क शेड दे रही हूँ तो वाइट हेयर जो है वो कितना ईजिली ऑप्ट हो रहा है। तो इंडेंटिंग टूल का यूज़ करके आप ये वाइट हेयर लाइन बहुत ईजिली आप ऑप्ट कर पाते हो, इसीलिए ये टेक्निक बेस्ट टेक्निक है फॉर वाइट हेयर लाइन। एक चीज़ आपको और माइंड में रखनी है, जिस डायरेक्शन में आपका हेयर है आपको उसी डायरेक्शन में अपने पेंसिल को मूव करना है, चाहे वो आप इमेजिनरी लाइन ही क्यों नहीं ड्रॉ कर रहे हो। अगर डिफरेंट डायरेक्शन में आप ड्रॉ करोगे तो वो बियर्ड का वो शेप आपको नहीं मिल पाएगा, तो आपको सेम डायरेक्शन में अपने पेंसिल को मूव करना है। तो अभी यही प्रोसेस मैं पूरा कंटिन्यू करूँगी पूरे बियर्ड को शेड करने के लिए। सो कंटिन्यू वॉच द होल वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फॉर दी मोर हाईलाइटेड हेयर मैं यहाँ पे वाइट जेल पेन का यूज़ कर रही हूँ। जो भी हेयर को आपको और हाईलाइटेड शो करना है उसके लिए आप वाइट जेल पेन का यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका जो वाइट हेयर है वो और अच्छा दिखता है और अच्छा रियलिस्टिक शो होता है। तो आप इसका यूज़ करके वाइट हेयर लाइन को और अच्छा शो करवा सकते हो। तो मैं अभी वही कर रही हूँ जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं इसका यूज़ करके और वाइट हेयर को और हाईलाइट दे रही हूँ।
अभी हमारा बियर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया है, हमें यही प्रोसेस को कंटिन्यू रिपीट करना है जब तक आपको वो रिज़ल्ट, वो इफ़ेक्ट ना मिल सके, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना मिल सके कि आपको वो, आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है, तब तक आप ये प्रोसेस को रिपीट करो। तो अब मैं यहाँ पे स्किन टोन पे हाईलाइट दे रही हूँ, तो फॉर दी हाईलाइट मैं यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर का यूज़ कर रही हूँ। तो जब आप हाईलाइट देते हो तो हमारा जो रियलिस्टिक स्केच है वो और ईजिली हम ऑप्ट कर पाते हैं। तो मोनो जीरो इरेजर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है स्किन को और रियलिस्टिक शो करने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जो ड्रेस है उसे मैं शेड कर रही हूँ, तो आप कंटिन्यू वॉच करो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो पार्ट वन में मैंने पूरे स्किन टोन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ नॉलेज होगा, बहुत कुछ सीख पाओगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। Thank you.
it for today guys, and this is the final result. I hope you guys like this video, and if you does, then please like, share and subscribe my channel and hit the notification bell for my upcoming videos. Thanks for watching.